नमस्कार, प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज की खबर, रीवा के विद्या स्कूल में बच्चों को मिल रही है इंग्लिश क्लास की अच्छी शिक्षा। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर विवेकानंद नगर में बने विद्या स्कूल में बच्चों को इंग्लिश की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। वह डायरेक्टर आर के शाहू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, हमारे स्कूल में इंग्लिश क्लास काफी फेमस है और हमारे हर बच्चे इंग्लिश काफी तेजी से बोल देते हैं और हमारे टीचरों द्वारा बच्चों को इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि विद्यास्त्री स्कूल में कुछ गरीब बच्चों को निशुल्क भी पढ़ाया जा रहा है। वहीं इस स्कूल में कई सामाजिक व प्रशासनिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं, जिसमें वृक्षारोपण, खेलकूद, पेंटिंग में भी बच्चों ने काफ़ी इस स्कूल में नाम कमाया है। आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं स्कूल के डायरेक्टर की ओर और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। हायर सेकेंडरी स्कूल विवेकानंद नगर रीवा में करीब 11 वर्ष से संचालित है। मैं उस विद्यालय का संचालक हूँ और हमारे यहाँ जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी बोलते हैं, उनके लिए मैं एक सबसे उनको ट्रेनिंग देता हूँ, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता हूँ, क्योंकि कोई भी भाषा लिख करके या देख करके नहीं बोली जा सकती है जबकि उसको माहौल न मिले। तो मैं स्कूल में माहौल पैदा करता हूं और उसका कारण है कि मुझे स्वयं अंग्रेजी आती है, मैं स्वयं अंग्रेजी का शिक्षक हूं, इसलिए हर बच्चे को मैं अंग्रेजी के एटमॉस्फेयर में रखता हूं। अपने यहां के जो हमारे स्टॉप्स हैं, सबको मैं अंग्रेजी बोलने का तरीका उनको भी बताता हूं, किस तरह से बच्चों को अंग्रेजी में बात करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंग्रेजी बच्चों को सिखाता हूं तो हिंदी को इग्नोर करता हूं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन राष्ट्रभाषा हमारे घर घर में बोली जाती है, बच्चे घर से सीख लेते हैं, अंग्रेजी में उनको दिक्कत जाती है, इसलिए मैं उनको उनकी स्पेशल ट्रेनिंग उनको दे रहा हूं और अंग्रेजी का एटमॉस्फेयर विद्यालय में क्रिएट किया हूं और उसका मुझे रिजल्ट भी मिला है। हमारे यहां पढ़ने वाला हर बच्चा अंग्रेजी में बात करता है। कुछ गरीब बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। हाँ ये रोहित जी, अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये काम मैं आज से नहीं, जब से मैंने विद्यालय खोला है, या यूं कहें कि इसके पहले भी जब मैं कोचिंग चलाया करता था, ट्यूशन लिया करता था, तो भी मैं कुछ गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया करता था। और उसका कारण क्या है कि मैं स्वयं गरीबी में पैदा हुआ हूं, स्वयं गरीबी से मेरी शिक्षा हुई है, तो गरीबों का जीवन किस तरह के होता है, वो विद्यालय की फ़ीस कैसे दे पाते हैं, किस तरह से जुटाते हैं, कितनी कठिनाई होती है, यह मुझे मालूम है। इसलिए भी अभी तो हाल में भी एक लड़का हमारे यहाँ, सौरभ साहू नाम का लड़का, कक्षा 8 में उसका एडमिशन हुआ है और उसको उसके पिताजी आज से करीब 6-7 साल पहले गुजर गए थे। तो उसके दो भाई थे, दोनों पहले हमारे यहाँ पढ़ते थे, तो एक दो साल बाद उन्होंने विद्यालय से नाम कटा लिया था उनको दूरी के कारण। जब उनके पिताजी एक्सपायर हो गए तो मैंने उनको बोला था कि इन दोनों बच्चों को हमारे यहाँ 12वीं तक की विद्यालय है, पढ़ाइए, मैं इनको निःशुल्क शिक्षा दूंगा। लेकिन चूंकि दूर था, दूर के कारण वो बच्चे नहीं आ पाते थे। अभी उनकी माताजी अभी हमारे यहाँ एक दिन आई थी, बोले कि हमारा बच्चा सर बड़ा हो गया है लेकिन हमारे पास फीस की दिक्कत है, तो क्या अभी भी हमारे बच्चे को आप पढ़ाएंगे? हमने कहा बिल्कुल पढ़ाऊंगा और इस साल मैंने उसका कक्षा 8 में निःशुल्क एडमिशन दिया है, उसको मैं अपने जेब से फ्री शिक्षा दे रहा हूँ। कई सामाजिक कार्यक्रम भी आपके स्कूल में हो रहे हैं, वृक्षारोपण हो गया, अंकुर अभियान की तरफ अभी अभी हुआ था। अभी अंकुर अभियान जो हमारे यहाँ चल रहा है, वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी हमने विद्यालय में करवाया है और ऐसे में कई सामाजिक कार्यक्रम में भी हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। ऐसा करने से मुझे अपने आप में शांति मिलती है और एक समाज को अच्छा मैसेज जाता है कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते रहें और ऐसे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने से लोगों को प्रेरणा मिलती है और स्वयं को सेटिस्फेक्शन मिलता है। नाम बता दीजिए। आर के साहू, डायरेक्टर विद्याश्री हायर सेकेंडरी स्कूल विवेकानंद रीवा।